इट्स माय गार्डन चैनल में आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे हमारे टेरेस पर लगे हुए फ्लावर वाले प्लांट के बारे में। ये मेरा हेबिकस का प्लांट है जो पिंक कलर का है। इसको एक्चुअली मैंने कटिंग से लगाया था। ये देसी प्लांट है और इसको मैंने मेरे गांव से लेके आई थी कटिंग करके और इसको लगाए हुए 6 महीने हो गए और ये करीबन 1 मंथ से फ्लावरिंग बहुत अच्छी देता है। डेली 2 या 3 इसमें से फ्लावर निकलने जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें छोटे छोटे इसकी कलियां कितने सारे हैं। ये मेरा सेकंड प्लांट है हेबिकस का जो व्हाइट कलर का है। इसको मैं नर्सरी से लेके आई थी और ये भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे कलियां भी लगी हुई हैं। ये मेरा तीसरा प्लांट है। ये पुणे वैरायटी है और इसमें भी देख सकते हैं कि काफी अच्छी फ्लावरिंग आई हुई है। ये भी हेबिकस ही है। ये बहुत ज्यादा अच्छी फ्लावरिंग देते हैं। इसमें पूरे साल फ्लावरिंग होती रहती है और बहुत अच्छी ज्यादा होती रहती है फ्लावरिंग। ये मेरा फोर्थ है हेबिकस का प्लांट और ये रेड कलर में है और ये बहुत बड़े फ्लावर होते हैं। पूरे देख सकते हैं आप, मेरे पूरे एक हाथ के बराबर का ये फ्लावर है और इसको मार्केट से लाए थे हम। और यहाँ ये रहा दूसरा और इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं बहुत अच्छी फ्लावरिंग देती है। और एक्चुअली ये मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है बिकॉज इसका कलर बहुत ज्यादा अच्छा है और इसकी साइज बहुत बड़े होते हैं। इसे आप चाहे तो कटिंग से भी लगा सकते हैं। देख सकते हैं मैं दूसरी जगह जनरेट करने के लिए यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर दी है और भी फ्लावर लगा रही हूँ। आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं। ये हेबिकस का पांचवा प्लांट है। इसका कलर मरून होता है और ये साइज में थोड़ा छोटा होता है और बहुत प्यारा होता है। इसको मैंने कटिंग से लगाया था। आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी फ्लावरिंग दे रखा है इसमें भी। ये मेरा हेबिकस का प्लांट है। आप देख सकते हैं इसमें भी कलियां छोटी छोटी लगी हुई हैं और इसका कलर पिंक होता है और मैंने इसको कटिंग कर दिया था और इसकी ब्रांचेस बढ़ाने के लिए। तो अभी फिलहाल में इसकी छोटी छोटी कली हैं, ये अभी खिला हुआ नहीं है। और ये मेरा जास्मिन का प्लांट है। आप देख सकते हैं ये नाइट में खिलता है और इसमें कितनी ज्यादा फ्लावरिंग है ये आप सब दिख रहा होगा। ये देख सकते हैं ये नाइट में बहुत अच्छे से खिलता है। और ये मेरा हेबिकस प्लांट है और ये वाला देसी वैरायटी है। इसको एक्चुअली मैंने कटिंग से लगाया था और अभी ये लास्ट मंथ तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग दे रहा था बट अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। और ये भी मेरा हेबिकस प्लांट है। आप देख सकते हैं ये कलर में रेड है और बहुत अच्छा खिला हुआ है, बहुत फ्लावरिंग देता है डेली बेसिस पे और बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है। इसको मैंने लगाया था कटिंग से, ये भी मेरा कटिंग से लगा हुआ है और इसको मतलब जब फ्लावरिंग खत्म हो जाती है इसमें तो इसके ब्रांचेस बढ़ाने के लिए मैं कटिंग करती रहती हूँ। आप देख सकते हैं कितना घना है और कितनी सारी फ्लावरिंग कर रखा है। ये देखिए ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। और ये भी मेरा हेबिकस प्लांट है। आप देख सकते हैं ये येलो और ये लाइट येलो या स्किन कलर भी बोल सकते हो, इसमें हल्का हल्का रेड भी है और इसको मैंने कटिंग से लगाया था और इसमें देख सकते हैं काफी अच्छी फ्लावरिंग देता है। ये देखिए इसकी बहुत अच्छी और इसमें अभी कलियां भी बहुत सारे लगे हुए हैं। ये सारे मेरी हेबिकस प्लांट हैं। ये तो मैंने बात की हमारे हेबिकस प्लांट की, और भी मेरे पास फ्लावर वाले प्लांट है। आप ये देख सकते हैं ये अपराजिता है, ये मेरे पास है अपराजिता की जो वैरायटी है ये है ब्लू वाली और ये मेरे पास पर्पल। आप देख सकते हैं ये अपराजिता, ये भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है ये दोनों। और मेरे पास व्हाइट वाला भी है जो अभी फिलहाल में ये व्हाइट वाला है जो कि खिला नहीं है। और